और सऊदी अरब में फंसे उन्नाव के तीन युवकों की वतन वापसी के लिए सदर विधायक पंकज गुप्ता ने विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को 17 जुलाई को 28 जुलाई को दो चिट्ठियां लिखी और उनकी वापसी की अपील की। फिलहाल ये तीनों युवक सऊदी अरब में बंधक के तौर पर फंसे हुए हैं, जिनसे मनमाने तरीके से काम कराया जा रहा है, जबकि इनके बदले इन्हें कोई पैसा कोई मेहनताना नहीं दिया जा रहा। किसी तरह से उनका संपर्क अपने परिवार वालों से हुआ, ऐसे में उन्होंने स्थानीय विधायक और विदेश मंत्रालय से उनके वतन वापसी की गुहार लगाई है। और इन तीनों युवकों को इंडियन ओवरसीज सर्विसेज नाम की एक कंपनी ने विदेश भेजा था, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया। परिजनों ने पाई पाई जोड़कर उन्हें कमाने के लिए बाहर भेजा, लेकिन उनकी जान अब खतरे में है। अब जान खतरे में देखकर सिर्फ वो घर लौट आए, इस बात की प्रार्थना परिवार वाले लगातार कर रहे हैं। रोड पर यहाँ से बोल वीडियो बना रहे कमरा तेरे हम लोग निकाल दिन गए, फिर जबरदस्ती हम लोगों ने कमरा में यहाँ भेजा है, तो हुआ को 9-8 दिन तक को जो ना हमका लोगन देखे सुने नहीं आवा है भैया, कि भूखे हैं प्यासे हम भजन तो एक पैसा नहीं है। पर हम लोगन भैया गुजारिश है कि हमका लोगन की यहाँ इंडिया बुला लो भैया, बस रिलीज कर दी। रिलीज की नहीं से रूम पे नहीं आए तो हमका लोगन के ने बहुत मारे, सुबेर वो सोते राम सुबेर तो मारे और मार के ने रूम के ने तीन बार मारा इनसे। और 3 दिन हम लोग रोड पर सोए हैं भैया, बस यहाँ इंडिया से गुजारिश इंडिया से कि हमका इंडिया बुला ले भैया, और बस अब हम लोग यहाँ काम न करते थे। और बात करेंगे सी मीडिया संवाददाता दयाशंकर, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दयाशंकर, विधायक को इस बारे में जानकारी दी गई, विधायक ने विदेश मंत्रालय तक इस सूचना को प्रेषित किया, क्या रिएक्शन, अभी क्या है कार्रवाई, क्या कुछ अपडेट्स? जी बता देना चाहता हूँ, परिजन विधायक से मिले थे, विधायक इसी जुलाई माह में 2 बार लेटर लिखा, टीमों को लिखा, शाह को लिखा है, विदेश मंत्री को लिखा है, उसके बाद ट्वीट भी किया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, परिजन परेशान है क्योंकि विदेश से वीडियो आया है, क्योंकि लड़के एक कंपनी के तहत एक विज्ञापन वाले निकला था, उसके तहत ये लोग रहे थे फरवरी में सऊदी अरब, तीनों लड़के, उसके बाद वहां जाके इन्होंने अभी जुलाई माह में इन्होंने जैसे वीडियो भेजा कि हम लोग वहां फंस गए हैं, बहुत बुरे फंसे हुए हैं, पैसा दे रहे हैं, वो लोग मारते हैं और खाना भी नहीं देते हैं, हमको रोड पे लेटना पड़ता है, जो काम के लिए आए थे वो काम नहीं, दूसरे काम करा रहे हैं, मारते पीटते हैं, खाना भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत परेशान है। उन्होंने वीडियो बना के व्हाट्सएप पे परिजनों को भेजा, परिजनों ने वीडियो देखा तब उनके हौसला हो गया, उसके बाद ये विधायक के पास पहुंचे, विधायक ने 2 बार लेटर लिखा, ट्वीट भी किया सबको, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो परिजन परेशान है। लेकिन दयाशंकर, चूंकि वहां इंडियन एम्बेसी से भी ये लोग संपर्क कर सकते हैं, परिवार से यदि संपर्क हुआ हो तो क्या परिवार ने इस तरह का कुछ उनसे बातचीत हुई हो, या कुछ बीच का रास्ता उन्हें वहां पर जो वो लोग मौजूद हैं उससे बचने के लिए कोई तरीका उन्हें पता चल पाया या बात हुई इस संबंध में? जी, परिजन जो है बहुत इलाके से हैं, गांव से आते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस बात से वो लोग अधिकारियों तो नहीं मिल पाए हैं, उसी अपने क्षेत्रीय विधायक के पास गए, जो भी विधायक से मिले, अपनी पीड़ा बताई, उसी के आधार पे विधायक ने उनकी मदद के लिए पूरे उनको आश्वासन दिया और उन्होंने 2 बार लेटर लिखा है, इसी से 15 जुलाई को लिखा, दोबारा 28 जुलाई को लिखा, और उसके बाद लेटर लिखने के बाद उन्होंने पीएमओ को सबको ट्वीट भी किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। परिजन बाकायदा चक्कर लगा रहे हैं विधायक के पास, विधायक कह रहे हैं हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है, वो लोग विदेश में फंसे हुए हैं बराबर। चलिए, आप नजर बनाए रखें इस पूरे घटनाक्रम पर, क्या मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाता है। दयाशंकर, फिर अपडेट्स लेंगे आपसे, बहुत शुक्रिया फिलहाल।